नमस्कार, मैं हूँ होम कुक रूमा और मैं करती हूँ आपका स्वागत डियर फूड में। आज हम बनाने वाले हैं अंगूर से खट्टी मीठी चटनी। इसे बनाना बेहद आसान है और बस 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है, उतना ही टेस्टी भी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाउ जॉइन मी, विल कुक टुगेदर। तो इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर हरे अंगूर, जो कि थोड़े से खट्टे भी हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लिया है और अब हमने इसे उंगलियों के बीच रखकर क्रश करना है, या तो आप चाकू की हेल्प से इसे काट भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ग्रेप्स को इस तरह से क्रश कर लिया, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने एक पैन को गर्म करना है और इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। इसके बाद मैं 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ डाल रही हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 लाल मिर्च है, सूखा लाल मिर्च, जिसका बीज हमने निकाल लिया है, और उसके बाद इसमें डालकर थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हमने फर्स्ट जो किए हुए ग्रेप्स थे उसको हमने इसमें डाल देना है। मीडियम फ्लेम पर रखा है, अभी हल्का सा इसे ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे, लगभग 2 मिनट। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानी भी हल्का सा इसका सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हमने इस मोमेंट पर जैगरी यानी गुड़ डालना है। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसे हम डालेंगे। और लगभग आधा कप के लगभग हमने पानी डालना है। इसके बाद हमने इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करना है। तो आप इसे या तो ढक्कन लगाकर भी कुक कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट होगा, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कुक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है। आप इसे बहुत थिक भी, एक बिल्कुल चटनी की तरह या जैम की तरह भी बना सकते हैं, या फिर आप इसी तरह इसे रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद आप इसे सर्व करिए। ये आप रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करें। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप ईटिंग एंड टेक केयर।